राजस्थान सरकार द्वारा 2018 में 1736 पदों पर फार्मासिस्ट भर्ती निकाली गई थी, जिसकी 5 बार परीक्षा तिथि जारी हुई, लेकिन विभिन्न कारणों से परीक्षा की तिथि को निरस्त किया गया एवं अंत में नियम संशोधन का हवाला देते हुए नवंबर 2020 में फार्मासिस्ट भर्ती को निरस्त कर दिया गया। तब से लेकर आज तक फार्मासिस्ट भर्ती का कोई अता पता नहीं है। संविदा फार्मासिस्ट विनोद कुमार मीणा ने बताया कि प्रदेश में लगभग 18,000 मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण के DDC काउंटर संचालित है, जिनमें से लगभग 70% काउंटर बिना फार्मासिस्ट के अयोग्य लोगों के द्वारा दवा वितरण का कार्य करवाया जा रहा है, तो उनके खिलाफ फार्मेसी एक्ट एवं ड्रग एक्ट कॉस्मेटिक एक्ट के तहत 6 माह की कैद एवं 1,000 जुर्माने का प्रावधान है। कोरोना वायरस महामारी में प्रथम पंक्ति में खड़े रहकर अपनी सेवाएं देने वाले संविदा फार्मासिस्ट आज भर्ती के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।